आज हम बात करेंगे जिन की, जिसे आज हम एक कमाल सिंगर, सॉन्ग राइटर और ग्रुप BTS के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में जानते हैं। तो चलिए आज जानते हैं जिन की स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया स्टोर। सो अगर आप लोगों को BTS हुडी या फिर BTS मग या फिर उसी के जैसे बहुत तरीके के आइटम्स बाय करने हैं, तो आप इंडिया स्टोर से कर सकते हैं, जहां पर जाकर अगर आप मेरा प्रोमो कोड RK100 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 100 rupees ऑफ। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हैं। और इसी के अलावा, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैंने इससे पहले भी BTS पे कई वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है नीचे कमेंट्स और एंड स्क्रीन में। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जिन का जन्म 4 दिसंबर 1992 को गुआचन, साउथ कोरिया में हुआ। बचपन से ही जिन अपनी मोम के बहुत क्लोज था। जिन की फैमिली में जिन के अलावा उसके मोम डैड और एक बड़ा भाई था, और जिन अपनी पूरी फैमिली में सबसे छोटा था। जिन के फादर एक कंपनी के CEO थे और जिन की मोम एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही जिन एक बहुत हसमुख लड़का रहा है, जिसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। जिनके साथ वो स्कूल से आने के बाद खेला करता था, और खेलने के बाद घर जाके होमवर्क किया करता था, और उसके बाद खाना खा के सो जाया करता था, और उसका दिन ऐसे ही हंसते खेलते गुजरता था। जिन ने अपनी शुरुआती स्कूलिंग बोसंग हाई स्कूल से की, और उसके बाद आगे की पढ़ाई और ग्रेजुएशन जिन ने कोंगकुक यूनिवर्सिटी से की। बचपन में जिन सोचा करता था कि वो बड़ा होकर अपने डैड की तरह ही काम करना चाहेगा, और इसलिए ही जिन ने सोचा था कि वो अपने डैड के साथ ही कंपनी ज्वाइन करेगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा होने लगा तो लोग उसके लुक्स की बहुत तारीफ करने लगे, और उसको एक्टर बनने की सजेशन देने लगे। जहाँ जिन को भी एक्टिंग करना पसंद था, इसलिए धीरे धीरे जिन का इंटरेस्ट भी एक्टिंग की तरफ बढ़ता गया। और एक बार जिन जब अपने जूनियर हाई स्कूल में था, उस टाइम जिन को साउथ कोरियन के पॉप एजेंसी SM एंटरटेनमेंट ने एक ऑफर दिया, लेकिन जिन ने इस ऑफर को एक स्कैम ऑफर समझते हुए रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद जिन ने एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया और अपनी एक्टिंग क्लासेस को जारी रखा, और ऐसे ही दिन बीतते गए। और एक दिन जिन को उसके लुक्स की वजह से बिग हिट एंटरटेनमेंट ने ढूंढा और जिन को अपना ऑफर और विज़न बताया। और इस टाइम तक जिन सिर्फ एक्टिंग सीख रहा था, उसको सिंगिंग में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। पर न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए जिन ने ऑफर को हाँ कहा, और जिन ने बिग हिट एंटरटेनमेंट में एज एन एक्टर ऑडिशन दिया, और बाद में वो एक ट्रेनी बन गया। और उसके बाद उसने सिंगिंग सीखना शुरू किया, और इसके अलावा डांस और स्टेज परफॉर्मेंस देने की भी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और ऐसे ही उसकी ट्रेनिंग चलती रही, और जिन नई नई चीज़ें सीखता गया और अपनी लाइफ में ग्रो होता गया। और दिन आ गया June 12, 2013, जिस दिन जिन ने ग्रुप BTS में अपना डेब्यू सिंगल एल्बम टू कूल फॉर स्कूल के साथ किया, जिसमें कि ग्रुप को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जिसके बाद तो जिन ने कई सोलो ट्रैक्स रिलीज किए और कई सॉन्ग्स को प्रोड्यूस किए, और ग्रुप में और स्टेज पे एक से एक परफॉर्मेंस देके ऑडियंस का दिल जीतता गया, और सबसे तारीफें बटोरते हुए अपने फैंस बनाता गया, और अपने सक्सेस की सीढ़ियों पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ता रहा। जहां आज तो उसके कई फैंस हैं जो हमेशा उसके लिए एक सपोर्ट बनकर हमेशा उसका साथ देते हैं, और उसके अचीवमेंट्स देख के बहुत प्राउड फील करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इस इंस्पायरिंग स्टोरी से कुछ सीखा हो। इसके अलावा अगर आप BTS की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहें तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं।